call. आज हम लोग जा रहे हैं डीजे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अली और मेरे साथ मौजूद हैं जहीर सैयद जहीर अहमद। आज हम लोग जा रहे हैं डीजे पाकिस्तान। हम लोगों का एक ड्रोन थोड़ा सा उसमें जो है ना गिम्बल का इशू था, उसका गिम्बल जो था वो सही से रोटेट नहीं कर रहा था, लॉक टूट गया उसके बेसिकली ना लॉक जो थे वो टूट चुके थे। और अभी मैं और जहीर भाई हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो है हम डीजे पाकिस्तान G11 की शॉप में मौजूद हैं। उनका बेसिकली नाम है कैम्स हॉबी डीजे पाकिस्तान। भैया आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ड्रोन है। असल में बेसिकली इसका इशू जो था ना गिम्बल का है, इसके लॉक्स वगैरह टूट गए हैं और वैसे ये कॉमन इशू है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और ये सॉल्व कैसे होगी। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो ना हम उनके साथ करते हैं, हम अंदर जाते हैं, चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, ये ड्रोन है हमारे पास, ठीक है। इसमें बेसिकली इशू ये आ रहा था कि इसका जो गिम्बल है ना ऑन करें तो ये रोटेट करता है। अभी आप ऑन करें आपको बेहतर समझ आएगा। कोई क्रैश वगैरह हुआ क्या? नहीं, ये क्रैश नहीं हुआ। तो आपने कितना यूज़ किया है? हम लोगों ने तकरीबन 2-3 दफ़ा इसको फ्लाई किया होगा इससे। ठीक है, अभी चेक कर। इसकी जो गिम्बल की रोटेशन है वो थोड़ी ऐसे ही मूव कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाली मोटर भी आपकी हीट अप हो रही है थोड़ी सी। ज़्यादातर जो मसला आता है ना वो गिम्बल लॉक जो होता है इसके अंदर, इस गिम्बल को जो लॉक कर लेते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, जो लोग वो यूज़ नहीं करते उस वजह से गिम्बल उनका जर्क करने के बाद उसकी फ्लेक्स केबल ख़राब हो जाती है। और दूसरा क्रैश होने से तो फिर लाजमी है कोई ना कोई चीज़, इसकी गिम्बल बहुत नाजुक है तो ये वाइब्रेशन भी होती है इसमें तो टूटती है। फ्लेक्स केबल होती है, एक इसमें दो किस्म की केबल होती है, एक वीडियो वाली वायर फ्लेक्स होती है, सही हो गया, एक फ्लेक्स केबल होती है जो गिम्बल को पावर दे रही है। सही। तो मुझे लगता है कि आपकी जो गिम्बल की जो फ्लेक्स केबल है ना उसमें कहीं कोई इशू आया है, कि एक तो वो जर्क करने की वजह से या ट्रैवल करने की वजह से जो अक्सर वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे इसमें रिपेयर होने में वैसे कितना टाइम लग जाएगा? रिपेयर होने के मैं अभी चेक कर लेता हूँ, पहले इसके ये ट्रेस कर लेते हैं फॉल्ट सी कि ये कौन सा, अभी अभी चेक कर लेते हैं फॉल्ट। आप कैसे ट्रेस करते हैं? अभी मैं इसके जरा पहले कनेक्ट कर लेता हूँ ना। अच्छा सही, तो आइडिया हो जाएगा कि ये एरर क्या दे रहा है। गिम्बल ऑब्स्ट्रक्टेड, गिम्बल मोटर ओवरलोड। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना ये वही मसला है आपकी जरक की वजह से, ये गिम्बल आपके जो मोटर है ना वो ख़राब हुई है। ये देखिए, गिम्बल मोटर ओवरलोड। अच्छा, गिम्बल मोटर ओवरलोड का इशू दे रहा है। इसमें अक्सर ये होता है कि जो गिम्बल लॉक लगा के लोग ऑन कर देते हैं उस वजह से भी मोटर पे इम्पेक्ट आता है और फ्लेक्स जल जाती है। तीन ऑप्शन है आपको बताइए, या तो क्रैश होगा तो वो ख़राब होगी, या फिर आप जो गिम्बल लॉक होता है वो ना लगा के ट्रेवल करते हैं, सही, और तीसरा गिम्बल लॉक लगा के आप इसको ऑन करेंगे तो भी उसमें गिम्बल पे पावर मसला आएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी ये वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है सारी, बाकी इसके एरर भी सारे ठीक हैं, कोई सिर्फ वो गिम्बल मोटर पे ही एरर आ रहा है। सही, ठीक है, बाकी इसके मैं प्रोपेलर वगैरह चेक कर लेता हूँ कोई और फॉल्ट ना हो इसमें। ठीक हो गया, बस सिर्फ वही गिम्बल का मसला है। जो अभी इस तरह करते हैं कि वर्कशॉप में ले चलते हैं इसको, ठीक है, तो आपके 15-20 मिनट लगेंगे, मैं इसको फ्लेक्स केबल चेंज करके देख लेता हूँ। होपफुली यही होता है, चांस यही होते हैं, 90% चांस फ्लेक्स के ही होते हैं, तो 10% जो है वो ज़्यादा अगर आपका नुकसान है, अगर आप उसके बाद ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं गिम्बल को, गर्म होने के बावजूद आप उसको यूज़ करते रहे हैं, उसके बाद फिर मोटर जो गिम्बल की वो ख़राब होती है। सही। इसमें उन्होंने जो गिम्बल दिया है वो डिस्पोजेबल टाइप है बेसिकली, अच्छा।
तो उसमें तीनों मोटरें उन्होंने इकट्ठी ऐसे जोड़ के एक सीरीज में बनाई हुई है, सही। तो फिर गिम्बल चेंज करना पड़ता है अगर आप ज़्यादा इसको इसी हालत में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। फिलहाल अभी हम इसके ऊपर फ्लैक्स वाला जो काम है वो कर लें। तो मैंने आपको बता दिया इसका प्रॉब्लम, बस ही फिलहाल अभी फ्लैक्स का काम कर लेते हैं, तो आ जाएं फिर वर्कशॉप आ जाएं। आपका गुड नेम? दानियाल। दानियाल, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे 2 ईयर हो। सही, चलिए आप करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ज़्यादा। ये फ्लैक्स चेंज करनी है अभी हमने इसमें, ये इसके गिम्बल को रोटेट करती है। ये वाली निकाल ली है केबल हमने, अब इसकी जगह हमने ये वाली केबल डालनी है। इस केबल का नाम क्या है? रिबन केबल है। रिबन केबल। अभी हमने इसको ओके कर लिया, केबल चेंज कर लिया, आइए इसको ऑन करके देख लेते हैं। गिम्बल हमारा ओके हो गया। गिम्बल स्टेबल अपनी जगह पर। अच्छा दानियाल भाई, अगर गिम्बल जो है वो सेंटर में ना हो, साइड पोस्ट पे हो, तो उसकी कैलिब्रेशन कैसी होगी? ये इस कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं,
इस पर क्लिक करें, ये नीचे गिम्बल की ऑप्शन है ऑटो कैलिब्रेशन गिम्बल, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटो कैलिब्रेशन हो जाएगी। और उसके बाद ये आप जब बाहर जाते हैं कुछ जगह पर IMU की एरर वगैरह आ जाती है कंपास वगैरह की, IMU की कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अभी नॉर्मल है, रेड होगा तो आपको करना पड़ेगा नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। सही। और कंपास अभी रेड है, अभी ये शीशे के ऊपर रखा हुआ है रोन, इसलिए रेड दे रहा है। आप इसको टेबल के ऊपर रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये ऑटो फ्लाई करता है आपको, आपको वो फॉलो करते हैं GPS सिस्टम, वो सब कुछ इसमें है, सब इसके अंदर है। ऑटो के लिए यहाँ से आप इसको करेंगे, अभी हम इंडोर में तो 6 फीट ये ऊपर जाके स्टेबल होगा। कोशिश करेंगे इसको बाहर ही आप आउटडोर ही करें, इंडोर करेंगे तो ऊपर छत के साथ लगने का हो सकता है, क्रैश हो सकता है। अभी जो ड्रोन को गिम्बल के जो लॉक से वो लगा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसके 2 लॉक होते हैं, इसको लगा के आप फ्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मोटरें जो है वो मूव करती हैं, ये इस तरह लगा देंगे आप तो मोटर को मूव कर सकती हैं। मतलब इनके बारिश हो रही है, गर्मी वो फ्लाई करने है इसमें, हाँ तो उस हवा तेज चल रही है उसमें गिम्बल को स्टेबल रखने के लिए मोटर हवा से वो गिम्बल अनस्टेबल हो, ये गिम्बल आकर इसको लगा के आपने रखना जब ट्रैवल करेंगे। ये इसके लॉक हो गए, अब ये मूव नहीं करेगा। और जब इसको आपने ऑन करना है इसको आप उतार लें, जब ऑन कर देंगे फिर ये मूव करता है, मूव करेगा। जब ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि इसको लगा के ट्रैवल करें। सही। ये 2 इसके लॉक होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन की, अगर बारिश हो रही हो तो फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ये वाटरप्रूफ होते हैं या नहीं? नहीं वाटरप्रूफ तो नहीं होते, लाइट सी बारिश हो रही है तो आप कर सकते हैं। सही। ज्यादा में नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये मोटर इसकी ये वाटरप्रूफ नहीं है बिल्कुल, इसके ऊपर इधर गिरेगी बारिश तो नहीं कुछ, पर इसके अंदर जब जाएगी तो फिर खराब हो सकती है। ड्रोन रिपेयर हो गया, अभी जो है इसकी फ्लाइंग टेस्ट जो है ना यही भी शॉप के अंदर ही कर रहे हैं। ये हर फ्लाई से पहले जरूरी होती है जगह पर अच्छा थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम विकास है, मैं DJ पाकिस्तान पे होता हूँ। तो हमने ये वर्कशॉप भी बनाई हुई है काफ़ी अरसे से, 5-6 साल से हम इसका काम कर रहे हैं। तो बाकी हम सारे हमारे पास इनके स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज भी कंप्लीट, इनका सारा जो भी आपके जो एक तो होता है पार्ट्स तो सारे जो डैमेज होते हैं वो भी हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा होता है एक्सेसरीज जो होती हैं मसलन इसके प्रोपेलर गार्ड्स हो गए, बैटरीज हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास सारे स्टॉक में चीज़ें होती हैं अवेलेबल, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। और आप यूज़ में भी ये मिल जाते हैं? यूज़ में भी मिल जाते हैं, क्योंकि अभी जो मैविक है जैसा मैविक 1 है ये यूज़ में ही मिलेगा, क्योंकि ये नया तो आ नहीं रहा, डिसकंटिन्यू हो चुका है। नया जो आता है वो मैविक 2 आता है, जो यूज़ में मिलेगा मैविक 1 हो गया, एयर 1 हो गया, एयर 2 यूज़ ब्रांड न्यू मिल जाता है, एयर 1 यूज़ में मिल जाता है। इसी तरह मैविक मिनी जो है वो यूज़ में मिल जाता है, मिनी 2 नया मिल जाता है। अब जो नया मॉडल आता है वो ब्रांड न्यू मिलता है, पिछला मॉडल वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, वो फिर आपको मार्केट से यूज़ में मिल जाता है आराम से। हमारे पास भी सारे होते हैं वैसे यूज़ में भी, नए भी सारे होते हैं। अच्छा आप रिकमेंड कौन सा करते हैं वैसे, अगर कोई कस्टमर आया आपके पास तो कस्टमर क्या रिकमेंडेशन होती है कि कौन सा बेस्ट होगा इनमें?
बेस्ट तो फिर ज़ाहिर है वो जो लेटेस्ट मशीन आती है वही सबसे बेस्ट होती है। व्लॉगिंग के वाले से अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप मैविक मिनी से भी लोग ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैविक मिनी जो है वो 60-65,000 में आ जाता है यूज़ में कमो पैकेज। उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको मैविक मिनी जो ब्रांड न्यू आता है वो 85 का आता है, और ये जो आपका मैविक प्रो है ये भी तकरीबन आपको 80-90 के राउंड में आपको यूज़ में मिल जाता है। अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन में है तो वो फिर आपको लाख तक मिलता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर चले जाते हैं अगर बजट का इशू नहीं है आपको, तो फिर आप मैविक एयर 2 जो है वो बेस्ट है इनके लिए। अच्छा थोड़ा सा जो ये बड़ा हुआ मैविक एयर 2, मैविक एयर 2 जो है ना ये इन सबसे अच्छा है बेसिकली। अच्छा। एक तो बैटरी भी उसमें 3 होती है, कॉम्बो पैकेज होता है, कैमरा उसका 48 मेगापिक्सल है, तो हर चीज में अपग्रेड है। अब उससे भी अगर नेक्स्ट जाना चाहते हैं तो फिर आता है मैविक 2 प्रो। सही। मैविक 2 प्रो पर बहुत जो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने साइनामेटिक जो वीडियोग्राफी करनी होती है प्रॉपर, जो शूट्स हो रहे हैं आउटडोर आजकल जो फिल्मों में भी यूज़ हो रहा है, वो सारे फिर मैविक 2 प्रो पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको बजट का इशू होता नहीं है, वो 3.75 लाख मशीन में कॉम्बो पैकेज आपको मिल जाता है मैविक 2 प्रो। अभी मेरे क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डीजे के कौन कौन सी एक्सेसरीज में डील करते हैं, मतलब डीजे सिर्फ ड्रोन में तो नहीं है ना? डीजे में वो आप सही कह रहे हैं कि गिम्बल्स भी होते हैं उसमें, वो हमारे पास सारे होते हैं, ये कैमरा रिलेटेड सारे गिम्बल्स होते हैं, रोने नास ये सारे हैं। उसके बाद ये आजकल ये जो इन है ना ज़्यादा चीज़ें वो मोबाइल गिम्बल्स हैं, DJI ने ये बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन जो अच्छे बनाए हैं ना, ये भी OM3 हो गया, OM4 हो गया, ये इन्होंने बहुत ही नेक्स्ट लेवल आके काम शुरू किया। गिम्बल मोबाइल गिम्बल्स हैं और DSLR के गिम्बल्स हैं, और ज़्यादातर DJI का ड्रोन्स में ही है। और रिपेयरिंग में भी आप इनको डील करते हैं? जी, रिपेयरिंग में सिर्फ ड्रोन्स काम करते हैं, ठीक है, बाकी जो DSLR वगैरह वो हम नहीं करते। और GoPro वगैरह, हीरो GoPro वगैरह का अभी तक क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी है और ना ही उसका भी रिपेयरिंग का इतना होता है, तो वो भी अभी GoPro का पाकिस्तान में भी नहीं। अच्छा, हमने उनके वीडियो अगर देख कर कोई आपके पास आता है तो आप उसे डिस्काउंट देंगे? जी क्यों नहीं, आप मुझे आकर बताएं कि हमने जनाब वो उनकी तरफ से आए हैं, तो हम इंशाल्लाह क्यों डिस्काउंट करेंगे। आप में से कोई भी अगर यहाँ आता है तो आप हमारी वीडियो के रेफरेंस देकर इनसे डिस्काउंट ले सकते हैं, और इंशाल्लाह होपफुली कि ये काम भी अच्छा करेंगे। NFGA के नाम से मेरा चैनल है, और आपने जो है ना बेसिकली जब भी यहाँ आना तो इस वीडियो का रेफरेंस दे दीजिएगा, ये समझेंगे कासिम नाम है मेरा। तो अभी हम DJ पाकिस्तान की शॉप पे ही एक और ब्लॉगर हैं जो यहाँ पे आए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ परचेज करने के लिए, उनका चैनल कौन सा है, तो इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा चैनल है वेयर टू इन्वेस्ट, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये देखें मैं DJI OM4 जो है ये बाय करने लगा हूँ जस्ट फॉर माय वीडियोस जो कि आप देखते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इससे एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स में था कि आप अच्छा कैमरा यूज़ करें, तो मैं ये OM4 यूज़ करने लगा हूँ, इससे स्टेबलाइजेशन और जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला फीचर है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। बेसिकली इनका जो यूज़ है ना वो सारा प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, तो ये मुझे कह रहे थे कि मुझे कोई अच्छा सा कैमरा आप बता दें, तो मैंने जो इनको मशवरा दिया, मैंने कहा जी कैमरे से बेहतर है आप एक गिम्बल लें, क्योंकि मोबाइल आपका आजकल मोबाइल सबके पास अच्छा होता है, कैमरा भी उसका अच्छा होता है, तो मोबाइल गिम्बल सबसे बेस्ट होता है। एक तो वीडियो स्टेबल आपकी आती है, तो आप अपनी मर्जी से अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं, और हर वक्त आप किसी टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैमरे का ये होता है कि आपको प्रॉपर उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बैटरियाँ चार्ज करें, ये करें वो करें, मोबाइल आपने बस लगाना है और अपनी वीडियो शूट कर देनी है, तो ये इनके लिए आसानी हो गई है, ये बहुत इससे सेटिस्फाइड है। इन भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो काइंडली आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वकार भाई ने भी अपना चैनल बनाया है DJI कैम्स हॉबी के नाम से, तो काइंडली उसको भी जो है आपने सब्सक्राइब करना है। अच्छा, तो हमारा जो ड्रोन है वो रिपेयर हो गया, आपके सामने मैंने सारी चीज़ आपको दिखा दी है कि ड्रोन में प्रॉब्लम क्या था और कितने टाइम के अंदर अंदर जो है इन्होंने उसको सोल्यूशन भी दे दिया। ये हाईली रिकमेंडेड है आप सबके लिए, अगर आपके पास ड्रोन है कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है तो इधर उधर बजाय किसी पास जाने के बेहतर है कि आप इधर ही हैं, DJI पाकिस्तान G11 अलनायत मॉल में शॉप नंबर 5 अंडरग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो यहाँ आप विज़िट करें। थैंक यू ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।